छिंदवाड़ा नगर निगम के मेयर विक्रम आहके ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आहके प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से चुना प्रतिनिधि हूं, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं आदिवासी हूं और गरीब परिवार से हूं, इसलिए प्रशासन लगातार मेरा अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान में कार्यक्रम रखा था, लेकिन न तो मुझे और न ही महिला पार्षद को मंच पर बैठने की जगह मिली, जबकि पराजित बीजेपी प्रत्याशी और पार्षद पति मंच पर बैठे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम के प्रमाण पत्रों में मेरे और कमिश्नर के हस्ताक्षर थे, लेकिन कार्यक्रम में कलेक्टर के दस्तखत वाले प्रमाण पत्र बांटे गए। जो उच्च अधिकारी हैं और जनजाति आयोग के को मैं अवगत कराऊंगा और शिकायत भी दर्ज करूंगा कि जिस किस तरीके से मैं अगर मजदूर का बेटा हूं, एक गरीब किसान का बेटा हूं और एक आदिवासी वर्ग से मैं आता हूं, तो जिस तरीके से ये मुझे उपेक्षित कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो अधिकार मुझे दिए गए हैं उसका मैं पूरा उपयोग करूंगा और जहां तक मैं जा सकता हूं वहां पर जाऊंगा। बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ हमें चुना है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम और उनके काम पर विश्वास जताया है। जनता को आपके माध्यम से भी और हम खुद भी जाकर इस बात से अवगत कराएंगे कि जिन लोगों को आपने नकारा है वो प्रशासन को एक मोहरा बनाकर हमारे अधिकारों का हनन कर